डहरवाल किचन्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो दोस्तों, नवरात्र की शुरुआत में माता रानी का आगमन हो चुका है और नवरात्र में हर घरों में नवरात्र व्रत रखे जाते हैं, जिसमें एक खास व्यंजन बनाया जाता है साबूदाने की खिचड़ी, जो काफी लोगों को बहुत पसंद है। और काफी लोग इस वजह से भी परेशान होते हैं कि उनकी साबूदाने की खिचड़ी बहुत चिपकी हुई बनती है। साबूदाने की खिचड़ी को खिली खिली बनाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जिससे आपकी साबूदाने की खिचड़ी खिली खिली, इंस्टेंट और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं आज साबूदाने की खिचड़ी। और इसके पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कीजिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम साबूदाना लिए हुए हैं। सबसे पहले हम साबूदाना को दो पानी धोकर अलग कर लेते हैं और साबूदाना खिली खिली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पानी से अच्छे से धो लिया है और इसको हम 20 मिनट इसको भीगने के लिए रखेंगे ताकि साबूदाना हमारा अच्छा खिला खिला बने। 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं साबूदाने से पानी को बाहर कर देता हूँ और इसे एक घंटे के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप 1 से 2 घंटे रखने के बाद में साबूदाना प्रॉपर अलग अलग हमें नजर आएगा। साबूदाने की खिचड़ी को खिला खिला और अलग अलग बनाने के लिए साबूदानों को अलग अलग रखना जरूरी है। ये तभी होगा जब इनके बीच में एक दरदरा मसाला हो। ऐसे दरदरे मसाले को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए, इसके लिए मैंने मिक्सी के जार में हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच साबुत जीरा और ढेर सारी मूंगफली के दाने का इस्तेमाल किया है। इसका हम एक हल्का सा दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे और हमारा साबूदाने की खिचड़ी का ये पेस्ट मसाला बनके तैयार हो जाएगा। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए आप अच्छे क्वालिटी का साबूदाना इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कभी कभी खिचड़ी खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं साबूदाना कितना खिला खिला नजर आ रहा है। यहाँ पर मूंगफली के दाने जितने अधिक डालेंगे खिचड़ी खिली खिली उतनी ही बनेगी। 2 चम्मच ऑयल लेते हैं और उसमें हम डालेंगे इस दरदरे पेस्ट को। अब इस दरदरे पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्राउनिश होते तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू को। उबले हुए आलू को आप अपनी जरूरत के अनुसार छोटे या मीडियम काट सकते हैं। यहाँ पर हमने आलू के साइज मीडियम रखे हैं और अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। आलू और दरदरे पेस्ट के फ्राई होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सभी को हल्का सा फ्राई होने देंगे और उसके बाद अब हम ऐड करेंगे साबूदानों को। साबूदाने को यहाँ एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि साबूदाने हमें धीरे धीरे करके ऐड करने हैं। हमें कुछ कुछ पार्ट में साबूदाने ऐड करने हैं और उसको मिक्स करते जाना है। तो हमने यहाँ पर कुछ थोड़े से साबूदाने ऐड किए हैं और उन्हें हल्का सा मिक्स किया है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके साबूदाना ऐड करते जाएंगे, जिससे कि हमारे साबूदाने बहुत खिले खिले और अलग अलग बनेंगे और हर एक दाना एक दूसरे से सेपरेट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हल्का सा साबूदाने को फ्राई करने के बाद हमारे साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है और ये देखने में बहुत ही सुंदर, टेस्टी और इंस्टेंट बनने वाली है। तो इस नवरात्रि में ट्राई करिए इस साबूदाने की खिचड़ी को, जो कि बहुत खिली खिली, टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में आप सभी को हैप्पी नवरात्रि और कर दीजिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और देखते रहिए अपने और सिर्फ अपने डहरवाल किचन को। बाय बाय दोस्तों। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 बातों का ध्यान रखा है। सबसे पहली टिप, साबूदाना अच्छी क्वालिटी का लें। दूसरी, साबूदानों को भिगो कर सिर्फ 20 से 25 मिनट रखना है और उसका पानी निथार कर रख देना है। पानी निकालने के बाद इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देना है। और तीसरी महत्वपूर्ण टिप, जब साबूदाना खिचड़ी को खिला खिला बनाने के लिए हमने यहाँ पे
पेस्ट हल्का सा दरदरा रखना है, न कि फाइन पेस्ट। इससे आपकी साबुदाना खिचड़ी बहुत खिली खिली बनेगी।